रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम रेरुआ कला में दबंगों की दादागिरी सिर चढ़कर बोल रही है और सिस्टम नतमस्तक नजर आ रहा है। पीड़ित फरियादी रंगदेव पटेल अपने परिवार के साथ पुश्तैनी मकान में रहते हैं। उन्होंने बताया सहखाते की आराजी नंबर 201 और 202 में 10 फीट रास्ता खसरे में अंकित है, जिससे हमारे परिवार के सभी लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे जो सरकारी तालाब के पास में मेन रोड में जाकर मिलता था। लेकिन कुछ दिनों से गांव के ही रहने वाले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बुद्धसेन पटेल, लल्लू पटेल, सुरुत पटेल, अरुण पटेल के द्वारा दबंगई करते हुए आम रास्ता बंद कर दिया गया है। पीड़ित फरियादी द्वारा राजस्व और पुलिस विभाग में शिकायत की गई, जिसका कोई मतलब नहीं निकला और आम रास्ता बंद कर दिया गया है। आइए सुनाते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने और अपनी क्या आपबीती बताई है। मेरा नाम राम नरेश पटेल है। कहाँ से आए हैं? ग्राम रेरुआ से। रेरुआ से जी। क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, रास्ता बंद है सर। कौन बंद करके रखा है रास्ता? अरुण पटेल, लल्लू पटेल, बुद्धसेन पटेल, राम सजीमन पटेल, श्याम लाल पटेल, ये सारे मिलके बंद किए। क्या है, सरकारी है? सरकारी नहीं है सर, वो है निजी पट्टे की। हाँ। 1/3 का हिस्सेदार हूँ। हाँ। और पुश्तैनी रास्ता है बाबा के जमाने से। हाँ। सर उसको इन्होंने 1 तारीख को बंद कर दिया है रात में। रास्ता दर्ज है ना? वो रास्ता खसरे में दर्ज है सर। खसरे में दर्ज है। तहसीलदार का आदेश, तहसीलदार के पास गए राजस्व विभाग के पास? जी गया था। क्या आदेश है उसका? तहसीलदार का आदेश है कि रास्ता अवरुद्ध ना करें, रास्ता खुली रहने दें, फिर भी उन्होंने बंद कर दिया है जबरन। और धमकी देते हैं कि हम तुमको जान से मारेंगे। मैं बोला कि रास्ता क्यों बंद किए हो, खोलो भाई, हम कहाँ से जाएं? तो बोलते हैं कि बोलेगा तो हम जान से मार देंगे, तेरे को सागर उठवा ले जाएंगे। कौन बोलता है? ये बुद्धिसेन पटेल बोलते हैं। आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत? हमने शिकायत किया एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, अपर कलेक्टर के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, और थाने में रिपोर्ट किया। थाने कौन सा लगता है? थाना गुढ़ लगता है सर। क्या बोलते हैं थाना प्रभारी? क्या बोले थाना प्रभारी? बोले कि हमको राजस्व का आदमी चाहिए तो हम चले, नहीं हम जाके क्या करेंगे वहाँ जब रास्ता अवरुद्ध हो गई है। राजस्व विभाग का आदेश तो हो गया है ना? हाँ हो गया है सर। कितने तारीख को हुआ है ये? 30/12 को, 20 को। 20/12 को? जी जी। अभी तक कोई टीम और राजस्व की नहीं पहुंची वहाँ? कोई नहीं गया वहाँ तक। अभी रास्ता बंद है? अभी रास्ता बंद है सर। कितने लोग रहते हैं परिवार में? परिवार में अब हम अकेले 3 जन हैं, रास्ता जिनका बंद है, और वो लोग हैं कई लोग। परिवार के लोग हैं? बताओ कि हमारे कई लोग परिवार के लोग हैं। हाँ परिवार के लोग हैं कई आदमी हुए हैं। जी आपका जी, जी। जो रास्ता, जिस रास्ते से जितने अवरुद्ध हैं, जितने प्रभावित हैं, कितने लोग हैं आप लोग? कई लोग हैं, 10-12 लोग हैं हम लोग। जी जी। करने वाले भी परिवार के हैं? परिवार के ही हैं, काका लोग, चाचा लोग। दूसरे के खेत से यदि आते हैं तो वो भी गाली देता है, जरवा रख देता है, दूसरे दिन कटने नहीं देता है। परेशानी है, पानी के लिए भटक रहे हैं। तालाब में जो है हैंड पंप है, वही रास्ता से जाते थे तो हैंड पंप से पानी भी नहीं पा रहे। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारी रास्ता खुलवाई जाए।